करण भाई, हैरान हो गए ना हमें यहाँ देखकर। डॉक्टर ने आपको मना किया है क्या? किससे? हंसने से। वैसे हंसना मुस्कुराना कोई बुरी बात नहीं है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? आपका टाइम पास बहुत शरारती है, मगर हमें पसंद आया उसने हमसे दोस्ती जो कर ली है। तुम ऐसे क्यों हो? बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? मालूम नहीं। तुम हमारा पीछा क्यों किया करते थे? तुम कितनी देर तक मेरे साथ हो? क्यों? मैं इतनी लंबी बात कम वक्त में नहीं बोल सकता। हर चीज कहने का एक सही तरीका होता है करण। देख, मैं तेरी तरह समझदार नहीं। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ मालूम नहीं। एक अजीब सी चीज थी जो मुझे तेरे करीब ले आती और तू डर जाती। लेकिन ये भी ना सोचा हम कितने रुसवा होते। देखो, जिसे इंसान अपना समझे, दोस्त माने, उसे रुसवाई नहीं देते। दोस्ती का मतलब है दूसरों की खुशी, त्याग, बलिदान। दोस्ती तो इबादत है, रुसवाई नहीं। तुम इतनी मारपीट क्यों करते हो? हो जाता है। तुम्हें इस खून खराबे से डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है? हमारा मतलब है, जैसे उस दिन हमारी शिकायत पर, सुना है पुलिस ने तुम्हें बहुत मारा था, बहुत दर्द हुआ होगा ना? नहीं। क्यों? तब तुम्हारा चेहरा जो मेरे सामने था। चले बिल प्लीज। सलाम। कोई बात नहीं मैम साहब, ये जगह तो करण भाई की मेहरबानी से चलती है। हम आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं? बहुत इज्जत करता है मेरी। तुम क्या समझते हो, ये लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं? कोई इज्जत बेइज्जत नहीं करते, तुमसे डरते हैं करण। तुम्हें गुंडा समझते हैं, गुंडा। मेरी बात तो सुनो काजल। क्या कहना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो? यही कि तुम कितने ताकतवर हो? पर ये ताकत उम्र भर साथ नहीं देने वाली करण। ये ताकतवर हाथ 100 आदमियों को एक साथ नहीं मार सकते, लेकिन लाखों लोगों को प्रणाम तो कर सकते हैं। हम चाहते हैं तुम्हारी ताकत किसी अच्छे काम आए। मैं तुम्हें बिल्कुल बदला हुआ देखना चाहती हूँ करण। हमें घिन आती है ऐसी जिंदगी से जो जुर्म और गुनाह से सनी हुई हो। छोड़ दो ये सब प्लीज, हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए। वादा करो करण, तुम ये सब छोड़ दोगे। वादा करो। ए जोर लगा के, ए जोर लगा के। आयशा, खोल दे बोतल। आयशा, अरे फाड़ दे धोती। आयशा, नहीं हटेगा। आयशा, ए कर दे पंचर। अब हटेगा? अरे भाई ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। सिर्फ शक्ल ही नहीं चौधरी साहब, इसके इरादे भी बदल गए हैं। ये कहता है अब हमारे साथ काम नहीं करेगा। क्यों भाई, क्या बात है करण? अगर कोई पैसे की बात। पैसों की बात नहीं है चौधरी साहब,
बस मन से उठ गया इन सब चीजों से। इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूं, अपना घर बसाना चाहता हूं। यह तो और भी खुशी की बात है। धूमधाम से शादी करो, घर बसाओ, और सुनो, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। चौधरी साहब, अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया मुझे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कॉमन सेंस की बात है, अगर यूं खिलाड़ी मैदान छोड़ने लगे तो कैसे चलेगा ये खेल? पक्का तीन ही खराब है साला। साला ऐसा तो अपना धंधा फिक्स हो जाएगा। शांत गोवर्धन शांत, ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है। वापस इनको कीचड़ में ही रेंग रेंग कर जीना है। जानते हो करण, आज हमारा जन्मदिन है। अच्छा, हमने सोचा आज भगवान से आशीर्वाद लेते वक्त तुम भी हमारे साथ रहो, और फिर हम लोग यहाँ वापस आएंगे जब तुम्हारा जन्मदिन होगा। कब है तुम्हारा जन्मदिन? मालूम नहीं। ओह, तो समझ लो आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। कैसे? करण, नए रिश्ते नई जिंदगी को जन्म देते हैं। देखो ना, सब कुछ कैसे बदल गया। हम चाहते हैं तुम्हारा हर कदम सच्चाई और नेकी की राह पर चले। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। देह शिवा वर मोहे एहे, शुभ कर्मन से कभू न डरू, न टरू अरसाऊ जब जाए लरू, निश्चय कर अपनी जीत करू। क्या हुआ करण? कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। तुमने भी मेरे लिए इतना... क्योंकि तुम मेरे अपने हो, हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं। मुझे छोड़ के मत जाना काजल, मैं जी नहीं पाऊंगा। हम तुम्हें बिखरने नहीं देंगे, वादा करते हैं। ये लो। अब इसकी जरूरत नहीं यार। तुझे इसी की जरूरत है। त्याऊं। ए ए हीरो, ए चल रुक, चल थोड़ा काजल लगा दूं कहीं नजर ना लग जाए। तू मुझे काजल लगाएगा? ये ले। क्या बाबा, भाभी के नाम से अभी से करण लगने लग क्या? कहीं शादी के बाद पीयूष की तरह मत उड़ जाना। भाभी से मिलने जा रहा है चिकने, एक पप्पी तो दे दे लवली। करण भाई, ये टपोरी लोग तुमको दीदी के नाम से सताते हैं। दम्बूक लाओ क्या? ये। नहीं टाइम पास, इन हाथों ने अब इतनी बड़ी खुशी को छू लिया है, इन्हें बारूद से क्यों गंदा करना। अब हमारी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा, कोई तूफान नहीं आएगा।